इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस क्या होती है और इनमें क्या कोरिलेशन है। नमस्ते, मेरा नाम मुद्दा है और इस लेक्चर में हम इन प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ओके, अब बताओ क्या पढ़ते हैं भाई, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस। तो आपने ये तो पढ़ लिया भाई इससे पहले इस चैप्टर के अंदर, ठीक है, कि एक होता है इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन, एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, और मैं आपको अंतर पता लग गया कि भाई अगर पर यूनिट चार्ज ज्यादा चार्ज फ्लो करे, अगर पर यूनिट चार्ज क्या हो, ज्यादा चार्ज फ्लो करे, चाहे वो इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में हो चाहे आयंस की फॉर्म में हो, तो हम क्या बोलेंगे उसको कि करंट क्या है, ज्यादा है, कंडक्शन ज्यादा है, कंडक्टेंस ज्यादा है। और अगर पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट टाइम, पर सेकंड, पर मिनट, पर आवर, जो भी है, कम चार्ज फ्लो करे, तो हम क्या बोलेंगे, करंट कम है। नहीं समझे बात? लेकिन ये सवाल नहीं उठेगा कि भाई जो फ्लो ऑफ चार्ज है इसे कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। नहीं समझे बात? हमको तो पता है भाई कि कई जगह पे करंट ज़्यादा बनता है, कई जगह करंट क्या बनता है, कम बनता है। तो मर्द में भी नहीं आएगा कि इसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो करंट की मात्रा को घटाते या बढ़ाते हैं। नहीं समझे बात? तो सारे आप अपने यहाँ पर ये पढ़ना है, ये दोनों पे लगेगा। अब मैं आपको जो पढ़ाऊँगा ना, ये अब एक तरह से ये देखना आपने कि फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, इसको कौन कौन से कारक, कौन कौन से फैक्टर इसको अफेक्ट करते हैं। नहीं बात आपको पहले पड़ी भाई, मतलब किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता होता है। ओके, तो ये पाया मैं आपको बताऊँ, काम करियो आप, हमारे पास क्या है ये बताओ, एक तार है, क्या मेरे पास ये तार, इसमें से आपने क्या मेजर करना है, करंट, ठीक है। तो एक बार यहां पर पोटेंशियल लगाओ 10 वोल्ट का, क्या भाई, और सेम तार रखो, फिर क्या रखो पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट का, तो आपको पता क्या देखने को मिलेगा, दूसरी बारी ज्यादा चार्ज फ्लो करेगा पर यूनिट टाइम, यानी करंट क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मैं आपसे एक बात पूछूं, आप इसको ऐसे देखो भाई, अगर दो टंकी हैं, ये बेटा क्या है, इतनी है, और ये क्या है, खाली है, इनको जोड़ दिया, इनको तो पानी फ्लो करेगा ना यहाँ पर, लेकिन दो टंकियों का सेट और भी है और उनमें पानी में ज्यादा डिफरेंस है, यहां पर क्या है, ज्यादा डिफरेंस बेटा यहां पर है, कहां पर है, यहां पर। तो यहां पर इन दोनों के पानी में डिफरेंस कम है, तो पानी का फ्लो भी क्या फ्लो होगा ना, लेकिन ये टंकी अगर बहुत ही ज्यादा भरी है, ऊपर तक भरी है, तो इन दोनों के पानी में डिफरेंस क्या होगा, बहुत ज्यादा, तो पानी या करंट भी क्या होगा, बहुत तेज नहीं बनेगा, वो सिंपल सी बात है। अच्छा, दो टंकी है, एक टंकी में पानी इतना है, दूसरी में पानी इतना है, क्या इनमें बहुत, तो इनका तार, इनको आप जोड़ दोगे पाइप से, तो यहाँ ज़्यादा, यहाँ पर क्या कम है, तो पानी यहाँ से यहाँ पर जाए तो होगा, लेकिन क्या जाएगा, स्लो जाएगा, पता होगा ना आपको। नहीं समझे बात कैसे, मैं यहाँ से एक पॉइंट प्रूव कर रहा हूँ, बताओ क्या, जितना ज़्यादा क्या होता है पोटेंशियल में डिफरेंस, उतना ज़्यादा क्या होता है, फास्टर फ्लो, मतलब ज़्यादा करंट बनेगा। नहीं आप देखा होगा ना, अगर दो जगह हैं, एक में पानी बहुत है, दूसरे में पानी बहुत कम है, तो पानी बहुत स्पीड से बहता है, लेकिन जब दोनों खेतों में पानी क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट बराबर, तो पानी का फ्लो भी क्या हो जाता है, बहुत क्या, धीरे हो जाता है, इजंट इट। तो इस बात से आप ये करते हो कि जितना ज़्यादा क्या होगा, जितना ज़्यादा इन दोनों टंकियों के पानी में डिफरेंस क्या होगा, ज़्यादा, उतना इस पाइप में से पानी तेजी से बहेगा। तो सिमिलर बात कहाँ पर होनी चाहिए, चार्ज के ऊपर, यानी अगर दो ऑब्जेक्ट जो आपने जोड़े हैं किसी तार से, उन दो में जितना ज़्यादा क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, उतना ज़्यादा क्या होगा, करंट बनेगा। नहीं आपको समझा, पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट टाइम, उतना ज़्यादा चार्ज फ्लो करेगा। नहीं आपको, तो इसको बोलते हैं, तो और ये पाया गया, अगर मैं किसी कंडक्टर के एंड पे, मैं किसी कंडक्टर के
एंड पे जो वोल्टेज लगा रखी है, अगर वो डबल कर देता हूं तो करंट डबल हो जाता है क्या? नहीं, ये तो पाया, ये तो मैंने पाया ही पाया कि अगर मैं इन दो एंड पे जो वोल्टेज लगाता हूं, जो पोटेंशियल डिफरेंस लगाता हूं, वो बढ़ा हुआ तो करंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। लेकिन मान लो कि ये डबल किया ना वोल्टेज, मान लो ये वोल्टेज मैंने क्या किया, डबल कर दिया यहां पर, तो करंट चार गुना होता। करंट क्या होता? तो हम पता क्या बोलते हैं कि करंट इज प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वेयर। वी स्क्वेयर क्यों भाई? क्योंकि आप यहां पर टू वी करोगे तो टू दूनी चार आ गया ना, चार नया फैक्टर। लेकिन क्या पाया कि वोल्टेज डबल करने पर करंट चार गुना नहीं होता, डबल होता है, और वोल्टेज ट्रिपल करने पर ट्रिपल होता है, क्वाड्रुपल करने पर। एक्सपेरिमेंटली ये पाया वो हमने कि अगर हम किसी तार में से करंट पास कर रहे हैं या किसी भी कंडक्टर में से करंट पास कर रहे हैं, तो अगर हम उस कंडक्टर के एंड पे जो वोल्टेज लगा रखी है वो वोल्टेज डबल करता हूँ ना मैं, तो करंट डबल होता है, ट्रिपल करता हूँ तो ट्रिपल होता है। तो ये फॉर्मूला काम करेगा नहीं? एक्सपेरिमेंटली क्या होता है, वी डबल करने पर आई क्या होता है, डबल। लेकिन यहाँ पर आपने वी डबल कर दिया, वी को बेटा क्या लिखियो, टू वी लिखो। क्या लिखो वी को? टू वी का स्क्वेयर करियो, फिर तो नया करंट क्या आएगा, फोर वी स्क्वेयर क्या आएगा। तो इसके मुकाबले तो नया करंट क्या बताओ, नया करंट इसके मुकाबले क्या, चार गुना नहीं हो क्या? तो ये फॉर्मूला क्या कह रहा है, चार गुना। लेकिन एक्सपेरिमेंटल क्या होता है, डबल। तो हमने ये पावर क्या करनी पड़ेगी, एक, क्योंकि अगर मैं एक पावर करता हूं ना, अब यहां पर वी के जो टू वी लिखने पर करंट डबल हो जाएगा, वी को थ्री वी करने पर नया फैक्टर तीन आएगा ना, तो तीन गुना हो गया। नहीं आपको नहीं समझे बात? तो ओ हमने क्या पाया बताओ, कि करंट किसी भी तार में से जो, ओ हमने क्या पाया, किसी भी कंडक्टर में से जो करंट फ्लो करता है। ये आपका फिजिक्स भी है, पता होगा आपको भाई, ठीक है। तो क्या होता है, जो करंट होता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू वी, ज्यादा वोल्टेज ज्यादा। तो सिंपल सी बात है, दो टंकियों में अगर पानी में बहुत ज्यादा क्या होगा डिफरेंस, तो पानी स्पीड से फ्लो नहीं करेगा क्या? तो दो ऑब्जेक्ट जो हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल वाले हैं, आपने जोड़ रखे तार से, तो जितना ज्यादा उनमें क्या होगा पोटेंशियल में डिफरेंस, उतना ज्यादा क्या होगा चार्ज फ्लो करेगा पर यूनिट टाइम। सेम लॉजिक है, मैं आपको बिल्कुल देसी एग्जांपल्स के जरिए पढ़ा रहा हूँ उस चीज को, अगर ना आपको ये। तो आई इज प्रोपोर्शनल टू वी, तो वी, तो इसको मैं उल्टा भी तो लिख सकता हूँ, वी इज प्रोपोर्शनल टू आई, यानी आई बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वोल्टेज बढ़ानी पड़ेगी। तो आई इज इक्वल प्रोपोर्शनल टू वी, वी प्रोपोर्शनल टू आई। लेकिन आपको पता होगा ना ये दोनों फैक्टर बराबर नहीं होते। मान ले बेटा ये कितना है बताओ, क्या मान लिया ये कितना है, दो, और ये कितना मान लिया, नहीं मान लिया कितना है, दस, कितना है ये, तो ये चार करने पर क्या हो जाएगा, ये बीस, ये दो है तो दस है, ये चार पे क्या हो जाएगा, ये बीस, ये छः पे क्या हो जाएगा, तीस। एंड डबल किया डबल, ट्रिपल किया ट्रिपल, लेकिन दोनों साइड बराबर तो नहीं हुई ना, चार पे क्या हो गया ये बीस, और छः पे क्या हो गया ये तीस। तो डबल करने पर डबल, ट्रिपल करने पर ट्रिपल, लेकिन बराबर तो नहीं ना। अगर बराबर करना पड़ जाए तो उस साइड आपको एक नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किससे, पाँच से, नहीं आपको। तो ये क्या हमारा कॉन्स्टेंट, क्या हमारा कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, नहीं आपको। तो हमको पता है जब आपके पास ऐसी कोई फॉर्मूला होता है और आप दोनों इसको हटा के क्या रखना चाहते हो, इक्वल्स टू का साइन, तो आपको एक कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लगाना पड़ता है। तो वी इज इक्वल टू क्या जाएगा, आर आई, क्या जाएगा ये, वी इज इक्वल टू आर आई आ जाएगा, जहां पर आर क्या, एक कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, आर क्या है, कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। अब आपके दिमाग में आएगा कि इस आर का मीनिंग क्या है, कॉन्स्टेंट ऑफ, भाई देखो फिलहाल आपको नहीं पता ये क्या है, आपको, हमको तो पता है रेजिस्टेंस है, अभी आपको नहीं पता ये क्या है। ये सिंपली है कॉन्स्टेंट ऑफ, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव करने के लिए आपने आर से मल्टीप्लाई कर रखा है, नहीं आपको। तो मैं आपको बताऊं भाई,
ये आर वास्तव में होता क्या है, क्या होता क्या है? पहले आप इसकी सिग्निफिकेंस देखो, क्या देखो इसकी सिग्निफिकेंस नहीं आपको? अगर मान लिया एक जगह तो 10 वोल्टेज लगाने पर क्या, ये मानो एक कनेक्टर तो ऐसा है 10 वोल्टेज लगाई ना तो करंट बना 2, कितना बना? और एक में क्या किया 10 वोल्टेज लगाई तो करंट बना 5, क्या नहीं? एक में हमने 10 वोल्टेज लगाई ना तो करंट बना 1, और एक में क्या बना 2 नहीं आपको? या फिर मानो ढाई बन गया, क्या बन गया? यानी एक करंट, मैं देखो मैं इस आर की सिग्निफिकेंस मालूम करने ट्राई कर रहा हूँ। मैंने 10 वोल्टेज पे क्या बना एक करंट, लेकिन अगर मैं कंडक्टर चेंज कर देता हूँ क्या, समझा? मैं और कोई क्या लिया कंडक्टर, चाहे सेम मेटल का हो लेकिन उसकी लंबाई क्या हो, मोटाई क्या हो, अलग हो भाई, तब बताओ क्या हमारे पास क्या है? तो ए तो 10 वोल्टेज पे उसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है 2.5, तो यहां पर कांस्टेंट क्या आएगा 10 ही आएगा, नहीं? मान लिया यहां पर कितना है 2, और यहां कितना मान लिया 2.5 मान लो, तो यहां 5 आ गया और यहां क्या जाएगा 4। तो हम क्या बोलेंगे कि उतनी वोल्टेज यहां पर कम करंट बनाती है और उतनी वोल्टेज यहां पर क्या बनाती है, ज्यादा करंट। इसका मतलब यहां पर ज्यादा करंट है, मतलब क्या होता है रेजिस्टेंस कम हुआ ना, ज्यादा करंट का मतलब क्या होता है? अगर किसी जगह से पानी स्पीड से फ्लो कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे इस सरफेस के ऊपर पानी को रेजिस्टेंस कम मिल रहा है। तो ये आर किसको शो कर रहा है, रेजिस्टेंस किसको भाई? इसके आपको सिग्निफिकेंस आपको पता लगी तो ये क्या शो करेगा सिग्निफिकेंस, नहीं आपको सुने? आर को बताएगा रेजिस्टेंस को, जितना आर क्या होगा ज्यादा उतना करंट क्या होगा कम, क्योंकि भाई आर आई की वैल्यू क्या होनी है कांस्टेंट, आर आई की वैल्यू क्या होनी है वी के बराबर होनी होगी। तो एक पर्टिकुलर वी के लिए अगर आर ज्यादा आ रहा है तो आई क्या है कम है, कम करंट का मतलब क्या है, कम करंट क्यों आया होगा, क्यों होना हो, फ्लो ऑफ चार्ज को क्या महसूस हुआ होगा, प्रतिरोध रेजिस्टेंस फ्लो के लिए, नहीं आपको? तो अगर वोल्टेज लगाने पर कम करंट आए मतलब आर ज्यादा है, ज्यादा का मतलब क्या, ज्यादा क्या हो गया रेजिस्टेंस, तो आर क्या बताएगा आपको रेजिस्टेंस, नहीं आपको? अब वी की यूनिट क्या होती है वोल्ट, आई की यूनिट क्या होती है एम्पियर, वी की यूनिट क्या होती है वोल्ट और आई की क्या होती है एम्पियर, तो आर की यूनिट क्या होगी, आर क्या हो जाएगा हमारे पास वी बटे आई, इसकी होती है ओम, क्या होती है ओ एच एम, ओम होती है, नहीं आपको सुने? और एम कैसे निकाल लेंगे बताओ, तो किसी भी कंडक्टर का आपने क्या निकालना पड़ जाए रेजिस्टेंस, तो आप बेटा सिंपली क्या करो उसमें से देखो भाई कितनी वोल्टेज पास हो रही है, इतनी वोल्टेज लगाने पर इतना करंट पास हुआ है, करंट नोट कर लो एमीटर से, करंट किसे नोट कर लो एमीटर से, और वोल्टेज किसे नोट कर लो वोल्टमीटर से। तो अब देखो भाई इसके ऊपर इतनी वोल्टेज लगाने पर इतना करंट पास हो रहा है, तो वोल्टेज आपको पता है, करंट उनको भाग कर लो क्या जाएगा आपके पास रेजिस्टेंस, नहीं आपको? तो ऐसे हम, और ये क्या होगी, तो एक ओम क्या होगा, एक ओम, एक ओम क्या होगा जब एक वोल्ट लगाने पर, एक ओम कब होता है जब एक वोल्ट क्या लगाने पर पोटेंशियल डिफरेंस, एक वोल्ट की वोल्टेज से अगर एक एम्पियर करंट पास कर रहा है, अगर किसी कंडक्टर में से क्या बेटा, अगर किसी कंडक्टर में से एक वोल्ट पोटेंशियल लगा, एक वोल्ट की वोल्टेज लगाने पर उसमें से एक एम्पियर करंट पास कर रहा है, इसका मतलब उस तार का या उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना है एक ओम, नहीं आना आपको ये? अरे बोले 1 वोल्ट 1 एम्पियर क्या गया 1 ओम, आसान है कि मुश्किल है? लेकिन आपको हो गए, हमको तो भाई नोट क्या करना है कंडक्टेंस, हमें नोट क्या करनी है कंडक्टेंस। तो अगर करंट कम होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा ना, तो रेजिस्टेंस का उल्टा पता क्या होता है, तो रेजिस्टेंस कम होगा तो मैं नहीं कह सकते कि रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट कम है, करंट कम होने मतलब क्या होता है
कंडक्टेंस क्या होती है? कम क्या? नहीं नहीं फॉर्मूले देखो, कम करंट होने मतलब क्या होता है? रेजिस्टेंस क्या ज्यादा है, तो एक होती है कंडक्टेंस, क्या होती है तो वो कैसे निकलती है? ज्यादा रेजिस्टेंस मतलब क्या है? कंडक्टेंस मेटली क्या है? कम है ना, तो पता है सी क्या होता है? 1/R, क्या होता है? 1/R, नहीं आपको कंडक्ट रेजिस्टेंस के उल्टे को हम क्या बोलते हैं? कंडक्टेंस, नहीं आपको ये? तो ये ओम था, तो ये क्या हो जाएगा? महो, ओम इनवर्स, क्या हो जाएगा ये? ओम की पावर एक ऊपर, ओम इनवर्स हो गया ना, ओम इनवर्स है इसको बेटा, तो क्या उसको, इसको बेटा महो भी बोल देते हैं, ये इसको साइमंस भी बोल देते हैं, आगे आपको तो आपको हमको भी पता लग गया कि सी और आर क्या होता है, हमको पता लग गया कि रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस क्या होती है, ठीक है। अब ध्यान रखियो भाई, ये V इज इक्वल टू क्या, आर आई था ना, क्या था? आर आई, यानी अगर मैं इस साइड क्या लेता हूँ करंट, इस साइड क्या लूँ, इस साइड क्या वोल्टेज, यहाँ बताओ क्या है? करंट है, नहीं आपको समझ बेटा, अगर मैंने यहाँ पर क्या लिया करंट, यहाँ मैंने क्या लिया वोल्टेज, तो कैसा ग्राफ आएगा? लीनियर विद स्लोप आर, नहीं है आपको? और अगर मैंने आई के लिए इसको ऋण, तो आई क्या हो जाएगा मेरे पास, क्या हो जाएगा? वी अपॉन आर, बोलो भाई, तो 1/R इंटू वी आ जाएगा। तो अगर मैं एक्स पे क्या लेता हूँ वोल्टेज, वाई पे क्या लेता हूँ करंट, तब स्लोप क्या आएगा? 1/R, और इंटरसेप्ट क्या आएगा? 0। मैंने आपको पढ़ा था ना वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसको आप पढ़ लियो आगे आपको, तो आपको तो पता लग गया कि रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस क्या होते हैं। तो रेजिस्टेंस आप नोट कर लोगे, किसी भी कंडक्टर का आप रेजिस्टेंस कैसे नोट कर लोगे? ये देखो उसमें से इतना, या तो क्या करो उसका वी आई के प्लॉट से निकाल लो आर, वी आई के प्लॉट से आर आ जाएगा, उल्टा करते क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा, नहीं आपको? या एक काम करो, एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे क्या देखो कितना करंट फ्लो कर रहा है, उसको भाग कर दो क्या जाएगा आपके पास? आर आ जाएगा ना, आर कंटा करते क्या जाएगा? कंडक्टेंस। लेकिन तो सवाल ये उठता है कि जो रेजिस्टेंस है वो किन के ऊपर डिपेंड करता है? क्या ये कांस्टेंट हो के भी कांस्टेंट नहीं होता? हम सोचते होंगे कि ये किसके ऊपर डिपेंड करता होगा? मैटीरियल के ऊपर, किसके ऊपर भाई? नहीं आपको समझ में। लेकिन कमाल की बात यह है, आप सेम मेटल रखो, क्या रखो, ये एक चांदी का तार है और ये भी एक चांदी का तार है, दोनों की मोटाई क्या है? सेम, लंबाई क्या है? अलग अलग। लेकिन ये सेम मेटल होने बावजूद भी इसका रेजिस्टेंस क्या आएगा? ज्यादा। इसका क्या आएगा? कम आएगा। तो आपको पता होना चाहिए भाई कि रेजिस्टेंस किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता होता है, नहीं है आपको? तो ये पाया गया। अब हम देखेंगे रेजिस्टेंस, देखेंगे रेजिस्टेंस, नहीं है आपको? क्योंकि आप सोचोगे भाई कि किसी तो मैं आपको पता होना चाहिए कि हर एक कंडक्टर का अलग अलग क्या होता है रेजिस्टेंस, होता ना अलग अलग। तो देखेंगे क्या किसी कंडक्टर के रेजिस्टेंस को बदला जा सकता है, और बदला जा सकता है तो कैसे बदल सकते हैं हम, समझे बात? फॉर एग्जांपल आपके लोहे का तार है, क्या एक लोहे का, और आपने क्या करना उसका रेजिस्टेंस घटाना या बढ़ाना है, तो कैसे घटाया बढ़ाया जाए? तो ये पाया गया रेजिस्टेंस जो होता है ना, ये प्रोपोर्शनल होता है किसके? एल के। जितनी ज्यादा क्या होगी तार की लेंथ या कंडक्टर की जो लेंथ होगी ना, उतना ज्यादा क्या होगा उसका रेजिस्टेंस, उतना उसका उसमें से कम करंट पास करेगा। इसीलिए क्या बोलते हैं, वो आपको पता होगा पहले जो ये डीसी होती थी ना, डीसी इनको डीसी को एसी को तो आप दूर दूर तक गांव दे आते पहुंचा सकते हो, लेकिन जब करंट की डिस्कवरी हुई थी तो डीसी करंट को दूर तक पहुंचाना मुश्किल था। क्यों था भाई बताइए? क्यों डीसी के साथ दिक्कत क्या होती है? डीसी के साथ जितनी तार में क्या बढ़ेगी लेंथ, उतना रेजिस्टेंस क्या होगा बढ़ेगा, और उतना करंट कम पहुंच पाएगा, करंट खराब हो जाएगा उस तार में ही, नहीं है आपको? आप उसको से मानो रेजिस्टेंस क्यों बढ़ता है, मान लिया हमारे पास, मान लिया भाई आपके पास, ये बताओ बेटा, ये मानो दो पाइप हैं, क्या भाई एक पाइप तो है 10 मीटर का,
और एक पाइप बेटा 100 मीटर का, कितना है 100 मीटर पाइप, एक 10 मीटर पाइप है, 6 फुट इसकी विड्थ है, कितनी, और ये भी क्या 6 फुट डायमीटर है, 6 फुट डायमीटर का, 6 फुट डायमीटर का 10 मीटर लंबा पाइप और 6 फुट डायमीटर का 100 मीटर, और इस पाइप में पानी भरा है कितना कितना भाई, घुटने घुटने पानी यहाँ पर भरा है, इसमें और इसमें भी, तो आपको पार करने में ज्यादा रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगा, यहाँ की, यहाँ ज्यादा आपको दुख, आप ज्यादा दुखी कब होगे इनको क्रॉस करने में, तो इसको मुझे क्यों 6 फुट हाइट है, 6 फुट हाइट इसकी है, लेंथ भाई लेंथ ज्यादा है, यहाँ पर आपको 10 मीटर चलना पड़ेगा पानी में, यहाँ पर आपको 100 मीटर चलना पड़ेगा पानी में, तो जैसे भाई अगर कोई फौजी इसको क्रॉस कर रहे हो तो उनको ज्यादा प्रतिरोध, ज्यादा एफर्ट कहाँ लगेगा इसको क्रॉस करने में, तो सिमिलर बात क्या होती है, अगर तार की लेंथ क्या होगी बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और डबल हुआ तो डबल, ट्रिपल हुआ तो, इस पाइप को क्रॉस करने में फौजियों को 10 गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इसके मुकाबले, नहीं आपको सुने, वेरी गुड, ठीक है। अब अगर इनकी लंबाई क्या हो बराबर, लंबाई क्या होगी बेटा बराबर हो, नहीं आपको, अब ये भी 10 मीटर का है और एक पाइप और भी है वो भी 10 मीटर का है, लेकिन इसकी विड्थ है 3 फुट, कितनी 3 फुट, यानी यहां पर इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया क्या होता है, मान लिया कोई पाइप है, क्या बेटा कोई, अरे कोई पाइप है ये, क्या ये पाइप है, तो इस पाइप का जो सर्कल होगा ना, क्या आप इस सर्कल का एरिया निकाल सकते हो, तो जो सर्कल का एरिया होगा ना वो क्या कहलाता है, पाइप का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या कहलाता है, यानी पाइप, यानी कि पाई आर स्क्वायर, पाई आर यानी कि पाइप के रेडियस के स्क्वायर से पाई को मल्टीप्लाई कर दो, नहीं आपको, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा कहाँ होगा, यहाँ की, यहाँ ये पाइप चौड़ा है, ये पाइप चौड़ा है, तो हालांकि दोनों दोनों 10 फीट के हैं, लेकिन फौजियों को क्रॉस करने में ज्यादा एफर्ट कहाँ लगेगा, यहाँ की, यहाँ क्यों भाई, यहाँ पर फौजी कम से कम 10 फुट 10 मीटर पैदल चल तो सकते हैं, जो कुछ 6 फिट 2 इंच का थोड़ा हाँ झुक के चल पड़ेगा, लेकिन 3 फिट का पाइप है तो भाई यहाँ तो इनको ऐसे घुटनों केवल ऐसे कोनियों केवल चलना पड़ेगा यहाँ पर, तो नहीं आपको, तो सेम लंबाई होने के बावजूद ज़्यादा एफर्ट कहाँ लगेगा, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घट जाए, यहाँ से यहाँ पर आए तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो गया, घट गया, तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, बढ़ गया, तो हम क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस क्या होता है, इनवर्सली किसके होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, तो लेंथ बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, लेकिन एरिया बढ़ने से रेजिस्टेंस घटता है, यहां से यहां पर गए पाइप चौड़ा हो गया, रेजिस्टेंस घट गया, भाई चौड़े पाइप में रेजिस्टेंस कम होएगा और लंबे पाइप में रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा, नहीं आपको, इन दोनों कंबाइन करियो तो रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, बताओ बताओ, एल बाई ए के, नहीं आपको, हाँ बेटा, तो रेजिस्टेंस हम क्या बोलेंगे, इज प्रोपोर्शनल टू एल के डायरेक्टली, और ए क्या होता है, इनवर्सली, क्या और भी कोई फैक्टर होता है जिसके ऊपर डिपेंड करता है ये, क्या बेटा, नहीं वो तो सब क्या करता है, वो नहीं, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रखना है, तो एल बी कॉन्स्ट, तो हम सोचेंगे एल और ए बराबर होंगे तो सब क्या होना चाहिए बराबर, फिर तो बराबर होना चाहिए, लेकिन आप बताओ, लेकिन भाई इसको जब हटाएंगे तो क्या होगा हमारे पास, है कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन क्या आएगा, आएगा ना हमारे पास, तो R इज इक्वल टू क्या आएगा, रो, क्या आ गया, रो एल बाई ए, एक और क्या आएगा, ये R खुद क्या था, कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और जब इसका हमने एक्सप्रेशन देखा तो इसमें एक और क्या आ गया, कॉन्स्टेंट रो आ गया, ये रो की सिग्निफिकेंस क्या होती है, फिर आप दोनों को बराबर करने के बनाए ये, लेकिन इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है, अब एक काम करो बेटा, ये होती, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, आर तो क्या है रेजिस्टेंस, आर तो क्या है, रो क्या होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी, तीन नाम होते हैं इसके, क्या क्या, रेजिस्टिविटी, बताओ कबले पड़ गई, ये होता है नेचर ऑफ सब्सटेंस के लिए, क्या होता है ये, क्योंकि अगर सिर्फ एल और ए के ऊपर डिपेंड करता फिर तो अगर मैं सेम लेंथ और सेम एरिया लेता तो सभी कंडक्टर सेम क्या होना चाहिए, रेजिस्टेंस, लेकिन ऐसा होता
नहीं, एक लो तांबे की तार, एक लो लोहे की तार और एक लो चांदी की तार। सेम लंबाई है, सेम कहेंगे बेटा, इनकी सेम लेंथ है, नहीं आपको समझ, सेम मोटाई है, तो इन तीनों की एल और ए क्या है, सेम है, लेकिन इनमें से करंट अलग अलग पास करेगा। यहाँ पर करंट क्या होगा, कम पास करेगा, क्यों भाई, इसका रेजिस्टेंस क्या है, ज़्यादा, नहीं आपको, सेम लंबाई और सेम एरिया होने के बावजूद इसमें से क्या होगा, करंट ज़्यादा पास करेगा, यानी यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या है, कम है, यहाँ पर करंट क्या होगा, सबसे कम पास करेगा, यहाँ क्या है, ज़्यादा है, और यहाँ इन बिटवीन है, नहीं आपको, नहीं आपको सबसे, तो इसका मतलब क्या है, ऐसे कैसे हो गया, मतलब होना हो इसका लंबाई और एरिया सेम होने के बावजूद यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या ज़्यादा है ना, इसका मतलब इसके लिए रो क्या होनी चाहिए, ज़्यादा, अगर उतनी लेंथ और उतनी एरिया पे ज़्यादा कैसे रहे रेजिस्टेंस, इसका मतलब ये नंबर क्या होगा, अगर ये नंबर सेम है, अगर लोहे के ये नंबर चांदी और कॉपर के लिए सेम रखे मैंने, नहीं समझे बात, तब इसका आर ज़्यादा कैसे आ गया, इसकी रो क्या है, ज़्यादा, नहीं आपको सुने, तो क्यों भाई, क्योंकि आयरन की नेचर होती है, तो ये किसको बताएगा आपको, नेचर ऑफ दी सबस्टांस को बताएगा, नहीं आपको, तो जो मोर, हमको पता चांदी क्या करती है, करंट को ज्यादा पास करवाती है, तो चांदी का रो क्या होगा, कम, नहीं आपको सुने, और बोलो भाई, और लोहे का रेजिस्टेंस क्या होगा, लोहे की नेचर क्या होती है, कम करंट पास करने की औरों के मुकाबले, चांदी के मुकाबले, तो इसका रो क्या होगा, ज्यादा होगा, नहीं बात आपको पहले पड़ी, तो रो किसको बताता है, नेचर ऑफ द सब्सटेंस, कि वो कम, जैसे एल बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, एल घटने से घटता है, ए बढ़ने से और ए घटने से बढ़ता है, तो सिमिलर रो बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, रो घटने से घटता है, रो होता क्या है, रो होता है नेचर ऑफ द सब्सटेंस, सब्सटेंस की लंबाई और चौड़ाई नहीं, लंबाई और मोटाई नहीं सब्सटेंस की, बताओ क्या उसकी नेचर, यानी कई सब्सटेंस ही क्या होते हैं नेचुरली ज्यादा कंडक्टिंग, वो कम रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं, नहीं आपको, तो रो यहां पर किसको क्वांटिफाई करेगा, नेचर ऑफ दी सब्सटेंस को, और इसको आप कैसे निकाल सकते हो बताओ, जब एल और ए क्या हो, तो आपको पता कैसे लगे, तो अच्छा आपको ये बताओ, आपके पास 10 तार है क्या बेटा, आपके पास 10 तार, आपके पास 10 मटेरियल है, एक आपके पास क्या मान लिया, चांदी का तार, एक क्या लोहे का तार, एक सिल्वर का, एक सोने का, एक मैग्नीशियम का, आपके 10 के अलग अलग क्या है, एक जिंक का तार, नहीं समझे बात, बोलो भाई, तो कई मेटल क्या होते हैं, मोर कंडक्टिंग, कई क्या होते हैं, लेस कंडक्टिंग, तो आपने कंपेयर करना है कि कौन सा ज्यादा कंडक्टिंग है, कौन सा क्या है, अब मैं आपको बताऊं नेचुरली क्या होता है, गोल्ड बहुत ज्यादा क्या होता है, कंडक्टिंग, गोल्ड जबरदस्त क्या होता है, कंडक्टर, चांदी क्या होती है, जबरदस्त कंडक्टर, नहीं आपको, लेकिन अगर चांदी का आपने बहुत लंबा तार ले लिया कंपैरिजन दौरान, तो चांदी का रेजिस्टेंस क्या आएगा, ज्यादा नहीं आएगा, हाँ बेटा, अगर आपके पास 10 अलग अलग मटेरियल है, आपने कंपेयर करना है कि मोर कंडक्टिंग कौन सा और लेस कंडक्टिंग कौन सा है, तो आप कैसे कंपेयर करोगे, आपको क्या नोट कर लेंगे, रेजिस्टेंस कम आया तो मोर कंडक्टिंग, ज्यादा आया तो, आप ये तो बोलोगे, लेकिन आप ये बताओ, हो सकता है एक सब्सटेंस के नेचर क्या हो, मोर कंडक्टिंग, लेकिन आप उसका तार क्या लेने, बहुत लंबा और पतला तार ले लिया हो, तो तार क्या कहते हैं, वो फेयर सिलेक्शन तो नहीं होगा, ये कुछ ऐसा ही है कि कोई रेस लग रही है, और फिनिश लाइन जो है ना, एक तो एथलीट है, एक लड़का तो एथलीट है बिल्कुल, एक लड़का एथलीट है, 6 फुट हाइट है, और भाई 70 किलो वेट है, कितना, और बहुत अच्छा दौड़ लगाता है वो, उसको तो आपने फिनिश लाइन से 5 किलोमीटर पहले खड़ा कर दिया, कितना, और एक मोटे ताजे को आपने भाई, जो कभी नहीं भागता, उसको आपने 100 मीटर पहले खड़ा कर दिया, फिर आपको हो गया देखे कौन पहले आएगा, अरे भाई ये फेयर कंपैरिजन हो उनका, मोटे को तो आपने खड़ा कर दिया 100 मीटर पहले, और एथलीट को 5 मीटर पहले, फिर आप देखोगे भाई जो पहले आएगा वो अच्छा प्लेयर, अच्छा एथलीट, पहले तो कौन सा आएगा, मोटा आएगा भी वो, लेकिन क्या ये फेयर कंपैरिजन है, नहीं समझे बात, तो यहां पर अगर आप ये कहोगे कि ज्यादा
अच्छा कौन भागता है, वो मोटा इंसान। तो ये अच्छी, ये आपको आपने गलत एनालाइज किया। कंपैरिजन कब होता, जब दोनों सेम दूरी से भागते होते, दोनों 5 किलोमीटर से भागते नहीं आपको, तो आपने कंपेयर करना पड़ता। तो क्या करोगे, तो आपने कंपेयर करना है अपने 5 अलग अलग मीटर को चेक करना है कि किस मेटीरियल की नेचर क्या है, मोर कंडक्टिंग और किसी क्या है लेस कंडक्टिंग। तो इन तीनों में क्या लो, एक सी लेंथ और एक सी नहीं आपको हमने उनकी एक सी क्या लो लेंथ और एक सी क्या लो, उन सब की यूनिट लेंथ लो, क्या सबकी सेम लंबाई लो। तो अगर मैं यूनिट कह लेता हूँ लेंथ और यूनिट कह लेता हूँ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्या हो, अरे 1 ही तो क्या हो एरिया और 1 ही क्या हो लेंथ सबकी, सभी तारों की बराबर लंबाई बराबर मोटाई है। तो उस तो अगर ये भी 1 और ये भी 1 तो रो क्या हो जाएगा आर के बराबर। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है बताओ, व्हाट इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, तुम क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय दी, जब आप 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया और 1 सेंटीमीटर लंबाई कह लेते हो तार, और उसमें क्या लगाते हो वोल्टेज और करंट नोट कर लेते हो, और फिर वोल्टेज करंट से भाग कर देते हो भाई, तो ये नंबर आएगा ना आर होगा ना, वो क्या होगा रेजिस्टेंस। लेकिन उस टाइम पे जो वो रेजिस्टेंस है वो क्या होगा रो के बराबर नहीं आपको, यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेने पर रो नंबर किसके बराबर हो जाएगा रेजिस्टेंस। तुम क्या बोलेंगे, व्हाट इज रो, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मे सिंपली बी डिफाइंड एज दी रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय दी कंडक्टर व्हेन इट्स एरिया एज वेल एज लेंथ बोथ आर टेकन एज यूनिटी। जब किसी कंडक्टर का एरिया और लेंथ आपने दोनों क्या ली है यूनिटी, तो उस वक्त वो जितना रेजिस्टेंस देगा क्या होगा वो उसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस नहीं है आपको। तो जिसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कम होता है इसका मतलब उसकी नेचर क्या है ज्यादा कंडक्टिंग। तो चांदी का गोल्ड का रो बहुत कम आता है, मतलब वो बहुत ज्यादा क्या होते हैं कंडक्टिंग नहीं है आपको, बोलो भाई। और जिनका रो बहुत ज्यादा है इसका मतलब क्या है, वो क्या है कम कंडक्टिंग। तो आप आर से कंपेयर मत करना कि कौन क्या है मोर या लेस कंडक्टिंग नेचर वाइज, क्या क्योंकि एक नेचर वाइज अगर कोई बहुत अच्छा कंडक्टर है, बहुत ही अच्छा, जो अपने में से कहता करंट को जा जा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने उसे तार क्या ले ली बहुत लंबी ले ली भाई और बहुत पतली तार ले ली, तो उसका आर तो क्या जाएगा बहुत ज्यादा जाएगा। वो बेशक कितना अच्छा क्या हो, कुछ वैसा ही हो गया कि किसी एथलीट को हमने खड़ा कर दिया 5 किलोमीटर पहले और हम क्या कह रहे हैं तो बुरा एथलीट है नहीं आपको सुनने। तो नेचर ऑफ दी सबस्टांस कि वो कंडक्टिंग है कि नहीं है इसके ऊपर हम कैसे कमेंट कर सकते हैं रो के जरिए नहीं आपको, नहीं आपको सुनने पक्का ठीक है समझ गया। अब बेटा तो आर क्या था हमारे पास, आर क्या होता है रो एल बाई ए होता होगा ना, तो कंडक्टेंस क्या होती है 1/r, तो बेटा क्या हो जाएगा 1/ρ a/l, ये क्या होती है कंडक्टेंस। आर का उल्टा होता होगा तो कंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या बनेगा 1/ρ a/l, यानी कंडक्टेंस कैसे बढ़ेगी तार की, एरिया बढ़ने पर बढ़ेगी लेंथ बढ़ने पर घटेगी, नहीं समझे बात। और 1/ρ का इसको आप लिख दो कैपा, क्या लिखो कैपा के नहीं है कप्पा, ये कप्पा कैपा इसको भी कुछ बोल दो। ये क्या होती है रेजिस्टिविटी या आर, तो क्या हो गया रो एल बाई ए, और जैसे 1/r सी था ना, 1/r क्या था कंडक्टेंस, तो 1/ρ क्या होता है कंडक्टिविटी नहीं आपको, तो 1/ρ क्या होगी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी, ये 1/ρ के बराबर होता है नहीं आपको सुनने, आसान है मुश्किल है ठीक है। अरे बोलो भाई बताओ भाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की बताओ यूनिट क्या होगी बताओ, रो क्या वो तो रेजिस्टेंस की होती है, आपने क्या बोले कैसे
हाँ ये क्या है मीटर, ये क्या मीटर स्क्वेयर, मीटर से मीटर कैंसिल, नीचे का मीटर आ गया वो वहां फेंक दो, क्या हो गया ओम मीटर आ गया आपको, ये नहीं आपको बेटा, अरे नहीं आया होगा। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही, अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। तो वो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।